हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंस्टेंट रवा उत्तपम। तो इसे बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप रवा जो कि बारीक है, 1 कप कर्ड, 1 कप पानी, 1 ग्रेटेड कैरेट, और मैंने थोड़ा सा कैबेज को ग्रेट किया हुआ है, 2 हरी मिर्ची के साथ में 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने पीस लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा बॉटल गार्ड का, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। तो इसे अब हमें, और थोड़ा सा ऑयल चाहिए जो कि हमें फ्राई करने के लिए काम आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रवा है ना, ये हमें इसमें बाउल में डाल लेना है। एक कप दही, 1 आपको मिक्स करना है, इसमें लगेगा 1 कप पानी, तो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल के, मतलब जैसे हम 1 कप पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा। ताकि हमारा जो रवा है ना वो अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए, बस ये ऐसे इसको दही, पानी और सूजी, बस ये 3 चीज़ें जो हैं, इनको तीनों को हमें मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए, अब हमने ये सूजी को हमें रख के 1 घंटा हो गया है, तो ये कितने अच्छे से ना इसके अंदर ये सूजी बिल्कुल मिक्स हो गई, अच्छे से फूल जाती है। अब हम इसके अंदर ये सब आइटम 1-1 करके मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से ना इसमें कोई और सब्जी भी आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। जैसे आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें पनीर भी मिला सकते हैं और ओनियन भी मिला सकते हैं। अब जिनको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप उसे प्याज के, लेकिन आपको बहुत बारीक बारीक टुकड़े करने पड़ेंगे प्याज के। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये नमक मैंने 2 टीस्पून्स लिया है। जीरा पाउडर 1 टीस्पून और मिर्ची पाउडर भी 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली डाल दी हुई है, तो इसलिए ये रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जैसे थोड़ा गाढ़ा है ना, तो आप इससे देखिए कि इसे ना, इसमें हम थोड़ा सा अभी पानी डालेंगे। और तब हमने जब भिगाया था उस टाइम पे इसमें हमने 1 कप पानी डाला था। इसका बैटर अभी ये गाढ़ा है। ये बहुत टेस्टी लगता है, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है। इसमें हम सब्जियां डाल के, जैसे बच्चे हैं सब्जियां नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर जो आपका इच्छा हो वो आप सब्जी डाल के बना सकते हैं, और काफ़ी लाइट होता है।
मतलब अभी तक हम लोगों ने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। 1 कप हमने पहले डाला था और अभी मैंने आधा कप और डाल चुकी हूँ। अभी बिगाड़ा तो ये 1 कप पानी हमें लग जाएगा, मतलब टोटल हमें 2 कप पानी इसमें लग जाता है। अब हम इसे बनाने के लिए हमारा तवा गरम कर लेते हैं। देखिए ये ऐसा हो गया है। अगर आपको कभी भी ऐसे डालते हुए थोड़ा लगे कि हमें गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा पानी और मिला सकते हैं इसमें। देखिए अब हमारा जो तवा है ना ये पूरा फुल गरम हो गया है, तो अब इसकी गैस मैंने कम कर दी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अच्छे से गर्म हो गया। तो अब आप इस पर क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। एक चम्मच भर के आप इसमें ऐसे अभी देखिए ये डालने के बाद में ये अभी हमें पूरा वाइट दिख रहा है ना जैसे, तो जब तक ये हमें ऐसा पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं हो जाएगा तब तक इसे नहीं हिलाना है हमें। तो अब आप थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। देखिए अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने डाला था ये कितना वाइट था पूरा, अभी आप ये पूरा देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। और एक बात और है, इसमें ना ऑयल बहुत कम लगता है, तो आपको ऐसे दोषे के जैसा हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं ना उस टाइप से ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमने इसे पलटा दिया। पलटाने के बाद आपको इसे इस गैस को फुल कर सकते हैं और अभी इसे थोड़ी देर के लिए, एक हमें 2-3 मिनट तक के लिए, 2 मिनट नहीं पर आप बीच बीच में से थोड़ा सा देख सकते हैं, जब ये रेड हो जाएगा तभी हमें इसको पलटाना है, पर गैस आप फुल कर दीजिए। देखिए अब हमें, हमने इसे फुल पे रख दिया था जब हमने उल्टा किया था, ये देखिए कि बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत लाइक करेंगे इसको, बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आता है। तो अभी हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है। अब गैस कम कर दीजिए। इसी टाइप से अभी आप सब एक एक करके अपने पूरे उत्तपम बना सकते हैं। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी जो आप पुदीने की हरी चटनी बनाते हैं आप उसके साथ भी खा सकते हैं। ये अब हमारी रेसिपी पूरी तरह से तैयार हो गई है। देखिए हमने ये बनाया है, आप इसको आपके फैमिली के साथ अब कर्ड के साथ अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करेंगे कि मैं आपको नई नई और रेसिपीज़ बता सकूं। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।